Good morning, dear student. I am your English teacher, and today we study our new chapter. Dear student, आज हम हमारा नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं. हमारा नया चैप्टर है थर्ड, और थर्ड चैप्टर देखिए क्या है, सावित्री एंड यम. ये एक स्टोरी है बच्चों. ये सावित्री के बारे में, ये एक ऐसी लड़की के बारे में है जो क्या है, यम यानी यमराज से भी अपने पति के प्राण वापस ले आती है. तो शुरू करते हैं हमारा चैप्टर. तो देखिए, इन एशियंट इंडिया देयर वॉज ए किंग हु डिड नॉट हैव ए चाइल्ड. बहुत समय पहले की बात, बहुत पुरानी बात है, इंडिया में एक राजा थी, उनकी कोई संतान नहीं थी. ही वर्शिप्ड द गॉड्स फॉर मेनी ईयर्स. उसने कई सालों तक भगवान देवी देवताओं की पूजा करी. फाइनली गॉडेस सावित्री गेव द किंग द गिफ्ट ऑफ ए डॉटर. और अंत में गॉडेस सावित्री, देवी सावित्री ने उन्हें एक बेटी के रूप में एक उपहार दिया. यानी कई सालों तक जब राजा ने तपस्या करी, भगवान की पूजा पाठ करी, तो इतने सालों की पूजा पाठ के पश्चात देवी सावित्री ने उनको एक बेटी उपहार के तौर पे गिफ्ट करी. सी वॉज नेम्ड सावित्री आफ्टर द गॉडेस. और उनकी यहाँ एक बेटी का जन्म हुआ, और उस बेटी का नाम क्या रखा गया, सावित्री. क्यों? क्योंकि जो देवी थी जिनकी कृपा से उनके यहाँ बेटी हुई थी, सावित्री थी, और उन्हीं देवी के नाम पर उस लड़की का नाम सावित्री रखा गया. सावित्री वॉज ब्यूटिफुल एंड इंटेलिजेंट. सावित्री सुंदर और चतुर थी, इंटेलिजेंट थी. वैन शी ग्रू द किंग आस्क्ड सावित्री टू चूज ए सुटेबल हस्बैंड फॉर हरसेल्फ. और जैसे ही सावित्री बड़ी हो गई, यानी उसकी उम्र हो गई, बड़ी हो गई, तो राजा ने उसको कहा कि तुम अपने लिए एक अपने योग्य कोई वर चुन लो. सावित्री ट्रेवल्ड फॉर मेनी ईयर्स अंटिल शी रीच द ए हर्मिटेज. सावित्री ने कई वर्षों तक यात्रा करी एक सूटेबल वर के लिए, यानी एक सही हस्बैंड के लिए. कई सालों तक यात्रा करी, और यात्रा करने के पश्चात उसने तब तक यात्रा करी जब तक वो एक हर्मिटेज का मीन होता आश्रम, एक आश्रम में ना पहुंच गई. यानी उसने कई सालों तक घूम के यात्रा पूरी करी ताकि उसको वही सुंदर और उसके योग्य हस्बैंड उसको मिल सके. देयर मेनी प्रिंसेस लिव्ड एज एसेटिक्स गिविंग अप देयर लग्जरी वेल्थ एंड पावर. और जिस हर्मिटेज में, जिस आश्रम में वह पहुंची थी, प्रिंसेस सावित्री पहुंची थी, तो वहाँ खूब सारे प्रिंस रहते थे. क्या करते थे वो प्रिंस, अपना जो लग्जरी का मीन होता है ऐश आराम वाला जीवन, वेल्थ दौलत पावर शक्तियाँ, तो ऐसे राजकुमार रहा करते थे जो अपना समस्त ऐश आराम वाला जीवन, अपनी धन दौलत और अपना पावर छोड़ के वहाँ साधारण साधुओं की भांति धार्मिक, एसेटिक्स का मीन होता धार्मिक जीवन को जीते थे. सावित्री सा ए यंग मैन एंटरिंग ए हॉल गाइडिंग एन ओल्ड एंड ब्लाइंड मैन. सावित्री ने एक हॉल में, एक कमरे में प्रवेश किया, तो उसने देखा कि एक आदमी था, वो क्या कर रहा था, एक बूढ़े आदमी की देखभाल कर रहा था. बूढ़ा आदमी था और साथ ही अंधा भी था, तो बूढ़े और अंधे आदमी की वो अच्छे से देखभाल कर रहा था. सावित्री आस्क द टीचर हु इज ही. सावित्री ने टीचर से पूछा, वहाँ जो उनके गुरु थे उनसे पूछा कि ये कौन है. द टीचर रिप्लाइड ही इज द प्रिंस सत्यवान. तो टीचर ने रिप्लाई किया कि यह राजकुमार सत्यवान है. ही इज ए वर्चस मैन गाइडिंग हिज ब्लाइंड फादर हु लॉस्ट हिज किंगडम. और ये क्या है, एक वर्चस का मीन होता है एक ऐसा आदमी जो पूजा पाठ में और दूसरों की भलाई के लिए कार्य करता. तो कहा ये एक वर्चस मैन है, और यहाँ अपने जो बूढ़े और अंधे पिता है उनकी देखभाल करता है, और इनका राज्य जो है वो खो चुका है, यानी कि किसी के द्वारा हत्या लिया गया है. सावित्री डिसाइडेड टू मैरी सत्यवान. सावित्री ने निश्चय किया कि अब वह सत्यवान से शादी करेगी. वेन सावित्री रिटर्न होम हर फादर आस्क्ड हर वेदर शी हैड चूजन ए ग्रूम फॉर हरसेल्फ. जब सावित्री उस आश्रम से वापस अपने घर लौटी, तो उसके पिताजी ने उससे पूछा कि क्या तुम्हें अपने लायक कोई दुल्हा मिल गया है. सावित्री रिप्लाइड हैप्पीली रिप्लाइड फादर आई हैव डिसाइडेड टू मैरी सत्यवान. सावित्री ने खुश होकर उत्तर दिया कि मैं
पिताजी मैं सत्यवान से शादी करना चाहती हूँ, यानी मैंने निश्चय किया है कि मैं सत्यवान से शादी करूँगी। द किंग शोड सत्यवान्स हॉरोस्कोप टू द एस्ट्रोलॉजर, और राजा ने सत्यवान का हॉरोस्कोप का मीन होता है जन्म कुंडली, एस्ट्रोलॉजर का मीन होता है ज्योतिषी, ज्योतिषी से उसकी जन्म कुंडली दिखाई। सीइंग सत्यवान्स हॉरोस्कोप द एस्ट्रोलॉजर सेड सत्यवान विल डाई 1 ईयर फ्रॉम टुडे, और सत्यवान की कुंडली देखने के बाद में ज्योतिषी ने कहा कि सत्यवान आज के 1 वर्ष बाद में मर जाएगा, यानी आज से 1 वर्ष पश्चात उसकी मृत्यु हो जाएगी। द किंग वॉज स्टंड टू हियर दिस एंड रिक्वेस्टेड सावित्री टू चूज समवन एल्स, और ये सुनकर राजा स्टंड का मीन होता आश्चर्यचकित, अवाक रह गया। स्टंट का मीन होता है आश्चर्यचकित या अचंभित हो जाना। तो ये बात सुन के कि सत्यवान 1 वर्ष पश्चात मर जाएगा, ये सुन के राजा आश्चर्यचकित अवाक रह गया और सावित्री से प्रार्थना करी, रिक्वेस्ट करी कि मैं किसी और से शादी कर ले, यानी अपने लिए किसी और लड़कियों को ऐसे ग्रूम चूज कर ले। सावित्री सेड बट फादर आई हैव ऑलरेडी चूजन सत्यवान एंड आई विल नॉट चूज अनदर मैन, लेकिन सावित्री ने कहा पिताजी मैंने तो पहले से ही सत्यवान को चूज कर लिया है, अब मैं किसी और को चूज नहीं करूँगी, यानी किसी और से शादी नहीं करूँगी। सून द किंग रोड विद सावित्री टू द हर्मिटेज, और राजा जो है जल्द ही सावित्री को हर्मिटेज झोपड़ी में आश्रम में लेके गए। सत्यवान वॉज ओवरजॉयड टू बी ऑफर्ड सच ए ब्राइड, और जब सत्यवान को ये बताया गया कि सत्यवान के लिए प्रिंसेस सावित्री ने शादी का प्रस्ताव रखा है, तो ये सुनकर सत्यवान बहुत ज़्यादा खुश हो गया। सावित्री जैसी ब्राइड को, दुल्हन को पाके वह काफ़ी ज़्यादा और जोड़ का मिलता है, बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो गया, खुश हो गया। इस फादर द ब्लाइंड किंग आस्क्ड सावित्री, यू आर ए प्रिंसेस, कैन यू बियर द हार्ड लाइफ ऑफ द हर्मिटेज, और जब सावित्री ने कहा कि वह सत्यवान से शादी करेगी और सत्यवान को पता चला कि सावित्री के लिए वह ऑफर आया है शादी का, तो सत्यवान के पिताजी ने सावित्री को कहा, अंधे पिताजी ने राजा को, यानी जो अंधे थे जो सत्यवान के पिताजी थे वो किसी ज़माने में राजा थे, तो उन्होंने सावित्री को कहा कि तुम एक प्रिंसेस हो, एक राजकुमारी हो, तुम महलों में रहती हो, लग्जरियस लाइफ जीती हो, तो क्या तुम आश्रम का ये कठोर जीवन जी पाओगी। सावित्री रिप्लाइड आई विल बी कंटेंट, और सावित्री ने कहा हाँ मैं संतुष्ट हूँ, कंटेंट का मीन होता संतुष्ट होना, हाँ मैं संतुष्ट हूँ, मैं इस प्रकार के जीवन को जी सकती हूँ। सावित्री एंड सत्यवान वर मेरी, और अब सावित्री और सत्यवान की शादी कर दी गई। फॉर अ ईयर दे लिव्ड हैप्पीली, 1 साल तक वो खुश रहे, खुशी से रहे। फाइनली व्हेन ओनली 3 डेज रिमाइंडेड फॉर 1 ईयर टू कंप्लीट, सावित्री प्रेड फॉर 3 डेज एंड 3 नाइट्स, और 1 साल कंप्लीट हो जाने के बाद में वो दिन भी आ गए, यानी कि 1 साल पूरा होने में मात्र 3 दिन बाकी थे, जब क्या होना था सत्यवान की मृत्यु होनी थी, यानी कि 1 साल में मात्र 3 दिन बाकी रह गए थे जब सत्यवान की मृत्यु होनी थी, और इन 3 दिनों में सावित्री ने दिन और रात भगवान की कठोर तपस्या करी। ऑन द फाइनल डे शी कैम आउट फ्रॉम द प्रेयर रूम विद द राइजिंग सन, और अंत में यानी तीसरे दिन, जब 3 दिन पूरे हो गए थे, तो तीसरे दिन वह उस रूम से, पूजा घर से, प्रेयर रूम से यानी जहाँ उसने भगवान की पूजा करनी शुरू करी थी, उस रूम से बाहर आई उगते हुए सूरज के साथ में सुबह सुबह। सत्यवान वंडर टू हिमसेल्फ व्हाई सावित्री वॉज प्रेइंग सो हार्ड, सत्यवान ये देख के काफ़ी ज़्यादा आश्चर्यचकित हो गया, अचंभित हो गया कि सावित्री इस प्रकार की कठिन तपस्या क्यों कर रही है, कठिन पूजा पाठ क्यों कर रही है। व्हेन सत्यवान वॉज रेडी टू गो आउट टू कलेक्ट वुड फॉर द फायर, सावित्री रश्ड टू हिज साइड एंड सेड, और जब सत्यवान तैयार था जंगल में जाके आग जलाने के लिए, लकड़ियाँ लाने के लिए, यानी आग जलाने के लिए जिन लकड़ियों की ज़रूरत होती है उन लकड़ियों को लेने के लिए, इकट्ठी करने के लिए, जब वो तैयार था जाने के लिए, तो सावित्री उसके पास दौड़ के उसके पास आई और कहा आई विल कम विथ यू, कहा कि मैं भी आपके साथ आऊँगी। सत्यवान एग्रीड, सत्यवान इस बात पे एग्री हो गया, संतुष्ट हो गया, सहमत हो गया कि हाँ तुम मेरे साथ चल सकती हो। इन दी वुड्स
सत्यवान सडनली फेल डिजी वाइल चॉपिंग दी फायरवुड। जब वह आग जलाने की लकड़ियाँ काट रहा था तो अचानक डिजी का मीन होता है बेहोश होना, चक्कर आ जाना। तो जब वो लकड़ियाँ चॉपिंग का मीन होता है बच्चों काटना, जब वह लकड़ियाँ काट रहा था तो अचानक ही उसने देखा कि उसको चक्कर आ रहे हैं, वो उसको चक्कर जैसा कुछ फील हो रहा, उसको फीलिंग हो रही कि उसको चक्कर आ रहे हैं। ही ले डाउन और वो ज़मीन पे गिर गया। सावित्री राइज्ड हिज हैड ऑन हर लेप, सावित्री ने उसको अपनी गोद में उठाया। लेप का मीन होता गोद। सावित्री ने उसके सर को, सत्यवान के सर को अपनी गोद में रखा। सत्यवान क्लोज्ड हिज आइज एंड बिगेन टू ब्रीथ स्लोली, सत्यवान ने अपनी आंखें बंद कर ली और धीरे धीरे उसकी सांसें चलने लग गई। डियर स्टूडेंट, आज हमने सावित्री नियम की ये स्टोरी पढ़ी थी। आज हमने हाफ स्टोरी पढ़ी है, बाकी जो लेफ्ट स्टोरी है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। नेक्स्ट स्टोरी में क्या होता है वो आगे हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। आज आपको अपनी एज ए होमवर्क सावित्री एंड यम ये चैप्टर अच्छे से स्टडी करना है और जो हार्ड वर्ड मैंने आपको समझाए हैं उनको अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। सो डियर स्टूडेंट, हैव ए नाइस डे।